हेलो फ्रेंड्स, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई हैव अपलोडेड एनी वीडियो एंड आई नो मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं मुझे फॉलो करते हैं और मेरे वीडियोस का वेट करते होंगे शायद. सो आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई कुडन कीप यू गाइज अपडेटेड. आई वॉज वेरी बिजी विद माई इंटरव्यूज एंड ऑल दैट. सो बिकॉज मैंने अपना डिग्री रिसेंटली कंप्लीट किया, सो तो मेरे पास टाइम उतना नहीं था. बट होपफुली आई एम बैक विद ऑल द सब्जेक्ट्स. मैं एक ही सब्जेक्ट नहीं अब वीडियोस अपलोड करूँगी. मैं मिक्स सब्जेक्ट्स का वीडियोस अपलोड करूँगी. तो आज मैं एक बहुत सिंपल सा वीडियो लेके आई हूँ, अ वेरी वेरी सिंपल वीडियो, एंड दैट इज़ योर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन का विच इज़ फूड एडल्ट्रेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव मार्क्ड ओवर हियर एंड देन मैंने लिखा भी है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो हम आज इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. सो अडल्ट्रेशन क्या होता है? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कंसिस्टर्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस. अडल्ट्रेशन का अडल्ट खाने में अडल्ट्रेशन करना ये एक लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस का नतीजा होता है. फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग, सब्स्टिट्यूशंस, कंसीलिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को बिगाड़ना, पुटिंग अप डिकम्पोज्ड फूड्स फॉर सेल, मतलब जिनका एक्सपायरी डेट हुआ होता है, जो ख़राब हुए होते हैं. डिकम्पोज मतलब ख़राब होना, ख़त्म होना, जिनमें यीस्ट फंगल लग चुका होता है, उनको सेल पे रखना, या मिस ब्रांड वी कैन से, मतलब गलत नाम देना. सपोज़ अगर मैगी है, मैगी की जगह उसको कुछ और ही नाम देंगे, बट वो लोग सेल करेंगे उस पर फॉल्स लेबल्स लगा के, और एडिशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, मतलब कुछ कार्सिनोजेंस ऐड करेंगे, कुछ कलरिंग ऐड करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारे हेल्थ, जो हमारा है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसने मतलब रिस्ट्रिक्ट किया है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है ये सब चीज़ें ऐड ना करें. तो जैसे कि एक गुड एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है, एडिशन ऑफ वाटर टू द मिल्क, कि हम लोग वाटर में क्या करते, मिल्क को ऐड, ताकि हम लोग क्या करें, ब्लैक मार्केटिंग, नथिंग बट ब्लैक मार्केटिंग. ज़्यादा दूध बेच, मतलब पानी भेजें. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स फॉर एग्जाम्पल से दे आर सेलिंग वाटर इंस्टेड ऑफ मिल्क नाउ डेज बाई पुटिंग मोर एंड मोर वाटर. सो अडल्ट्रेशन ये इंटेंशनल भी हो सकता है या इंसिडेंटल भी हो सकता है. इंटेंशनल का मतलब है कि जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐड करना, जैसे कि रेड चिली पाउडर में वो लोग जो ये अडल्ट्रेंट्स होते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल रेड चिली पाउडर हम लोग लेंगे, ये लोग इसमें क्या करते हैं, ये लोग इसमें जो हमारा ब्रिक होता है, रेड कलर का ब्रिक, दे विल ब्रेक इट इंटू एंड स्मैश इट इंटू सो लाइक थिन फॉर्म पेस्ट एंड एड इट इंटू द चिली. आया समझ? सो अडल्ट्रेशन का एक एग्जांपल मैंने दिया रेड चिली को. ये लोग एक, जैसे कि हमारे हाउसेस बनते हैं तो हम लोग ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स, सो रेड कलर ब्रिक्स मोस्टली. सो इंसिडेंशियल कभी कभार गलती से हो जाता है. द फॉर्मर इज विल यू विल द फॉर्मर इज विलिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है. ये जो फॉर्मर होगा, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन होगा, वो तो या तो वो पार्ट होगा इस अडल्ट्रेशन का, या तो उसने अपने प्रोडक्ट का मार्जिन इंक्रीज कराने के लिए, अपने इसको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये अडल्ट्रेशन की होगी. ठीक है. सो इंसिडेंटल कंटेमिनेशन इज यूजुअली ड्यू टू इन इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस और लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज. अब अगर अभी तक तो हम इंटेंशनल का बात कर रहे थे. इंटेंशनल का मतलब है जानबूझ के बढ़ाना, जानबूझ के कुछ अननेसेसरी चीज़ें ऐड करना फूड में, ताकि उसका क्या हम बोले ये अपना मार्जिन बढ़ाए, अपने पैसे ज़्यादा कमाए गलत चीज़ बेच के. और इंसिडेंटल का मतलब ये लोग कंटेमिनेट करते हैं चीज़ें, कैसे कि मतलब इनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, इनहाइजीनिक नेग्लिजेंस या लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज. फॉर एग्जांपल हम गोल गप्पे खाने जाते हैं या पानी पूरी खाने जाते हैं. सो हम लोग क्या देखते हैं, दो तरीके के भाई, मतलब पानी पूरी सेलर्स आर देयर. वन विल बी वेयरिंग द ग्लव्स एंड अनदर वन विल नॉट बी वेयरिंग. जो वन विल बी वेयरिंग द क्लॉथ, ही विल बी वेरी मच कॉशन अबाउट द
लाइक स्प्रेडिंग ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन, राइट? सो दूसरा जो है उसको, जो दूसरा पानी पूरी सेलर है, ही वोंट बी बॉदर्ड. वो बोलेगा कुछ नहीं होता है इससे, वो वही पानी उसी में डालेगा, उस टैमरिन वाटर में, और उसी हाथ से वो देके पूरी तुम लोग को, मतलब हम लोग को देके सेल करेगा. सो वी आर आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल अनटिल एंड अनलेस वी टेक सम एक्शन. सो एडल्ट्रेशन फूड में एंडेंजर हेल्थ इफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द कंज्यूमर आर इफेक्टेड ड्यू टू ईदर एडिशन ऑफ अ डेलिटीरियस सब्सटेंस ऑफ द रिमूवल ऑफ अ वाइटल कंपोनेंट. ओब्वियसली दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी. हमारी सेहत के लिए ख़राब है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए सीवियर है. कभी कभार स्टोन जो हम लोग खाने में ये लोग मिलाएंगे, या कुछ भी इन एडल्ट्रन जो हम, मे बी दे विल ब्लॉक आवर लंग्स, दे विल ब्लॉक आवर स्टमक, इंटेस्टाइन्स, तो लीडिंग टू डेंजरस कॉजेज. ओके, नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड. फूड क्या है? वॉट इज फूड? फूड इज नथिंग बट एनी आर्टिकल विच ऑर्डिनरी एंटर्स इन टू और इज यूज इन द कम्पोजिशन और प्रिपरेशन ऑफ फूड. सॉरी, एनी आर्टिकल यूज एज अ फूड और ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन अदर देन ड्रग्स एंड वाटर आर इंक्लूड्स. ओके, एनी फ्लेवरिंग मैटर और कंडिमेंट्स, एनी अदर आर्टिकल विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे हैव having regard to use, nature, substance or quality declared by notification in the official gazette as food for the purpose of this act. Now, next is the definition of adulteration. अब आप बोलोगे, मैम what is adulteration? So, मैं बोल रही हूँ adulteration जो है, adulteration is defined as the process by which the quality or the nature of a given substance is reduced through the addition of a foreign or inferior substance and the removal of vital element. मतलब इसका है कि हम लोग quality जो एक substance की अपनी natural होती है, suppose milk, milk में बहुत सारे proteins, fats ये सब होते हैं, जो qualities naturally उसमें होती, हम वो बिगाड़ते हैं. क्यों बिगाड़ते? ताकि हमें profit चाहिए, और वो profit हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा, लोगों के health को बहुत ज़्यादा effect करता है, या हम लोग बहुत inhygienic तरीके से अपना product sell करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों का जो हेल्थ है दैट गेट्स अफेक्टेड. ओके, देन व्हाट इज दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ एडल्ट्रेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज योर, व्हाट इज योर फूड एडल्ट्रेशन एंड वन मिनट इज योर इज योर फूड सेफ्टी टेम्परेचर और रेगुलेशन एक्ट 1995. सो इस एक्ट में क्या बोला गया? इसमें बोला गया फूड सेफ्टी रेगुलेशन कवर्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड हाइजीन, द स्टेज ऑफ फूड चेन दैट इज सब्जेक्ट टू टेम्परेचर कंट्रोल. हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है. द टेम्परेचर एट विच सर्टन फूड्स मस्ट बी कैप्ट, किन टेम्परेचर्स के अंडर हमें खाने को रखना है. विच फूड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्पेसिफिक टेम्परेचर टेम्परेचर कंट्रोल. कौन से फूड्स हमें बाहर निकालने, मतलब कुछ अच्छे, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिन फूड्स, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, हम लोगों को उसके लिए एक फ्रीज़र चाहिए, उसका टेम्परेचर सेट है, राइट? हम उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट नहीं, वो मेल्ट हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ दैट वी आर कीपिंग दैट इन फ्रीज़र. सो दैट इज़ वॉट इट सेज. देन नेक्स्ट इज वेन द टेम्परेचर कंट्रोल अलाउज फ्लेक्सीबिलिटी. जब टेम्परेचर कंट्रोल अलो करता है फ्लेक्सीबिलिटी, देन द सेफ टेम्परेचर आर गिवन अंडर द हेडिंग टेम्परेचर कंट्रोल, कंट्रोल पेज नंबर 174. सो पेज नंबर 174 इज नथिंग बट योर दैट इज योर पेज नंबर 174 विल बी कवरिंग योर दिस इज योर पेज नंबर 174. सो इन एडुकेट रीहीटिंग ऑफ कुकड फूड हैज नॉट बीन रीहीटेड. हमें खाने को बार बार उबालना नहीं है. इन एडुकेट थॉविंग ऑफ फूड बिफोर कुकिंग, मतलब विच हैज स्टिल बैक्टीरिया काउंट और पैथोजन करने, मतलब हमें हाफ कुक नहीं करना है. फुल थाउइंग मीन्स हाफ कुकिंग लाइक दैट. सो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना है एक पर्टिकुलर फूड को, ताकि वो जो उसमें बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, वो मर जाए. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फूड टू अर्ली इन एडवांस. पहले हमें नहीं बनाना है बहुत सारा खाना जो कि फिर वेस्ट हो, बिकॉज टेम्परेचर कभी कभार हाई होता है, कभी कभार लो होता है. सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स. जो
फूड हैंडलर से जो खाने को हैंडल करते हैं उनमें कम्युनिकेबल डिजीज़ का होना, अगर उनमें कम्युनिकेबल डिजीज़ है लाइक फॉर एग्जांपल से कफ, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कैंसर, मे बी उनके हाथ में कुछ कट लगा हो, कुछ ब्रूजेज हो, या वो कफ करे, स्नीज करे एंड वो ड्रॉपलेट्स जाके खाने में जाए एंड हम लोग वो सेम खाना खा के, हम लोगों में भी वो चांसेस है. देन कंजप्शन ऑफ रॉ फूड, एग्जांपल श्रिम्प्स दैट यूजुअली हैज़ अ हाई बैक्टीरिया काउंट और पैथोजन कंटेंट हैज़ बीन ईटन इन अ रॉ स्टेट विदाउट कुकिंग. सो हमें कभी भी रॉ फूड नहीं खाना चाहिए. वाई? बिकॉज इट विल डेफिनेटली हैव सम हाई बैक्टीरिया इनमें होगा या पैथोजन, जिनकी वजह से हमारे स्टमक में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग्स होंगी. सो फूड पॉइजनिंग होने का बहुत खतरा है. देन यूज़ ऑफ अनसेफ फूड सोर्सेज, सो फूड हैज़ बीन परचेज फ्रॉम एन अनअप्रूव्ड और अनरिलेबल सोर्स सच एज हॉकर्स, मीन जो ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे खाना लेना, उनके पास से लेना विदाउट एनी लाइसेंस, उनके पास होना, उनके पास चीप रेट्स में खाना, हम तो सोचेंगे हम लोग पैसा बचाएंगे बट देन वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर हेल्थ. देन यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर्स, अगर हम यूज़ ऑफ कुछ खाना बच जाता है, एग्जाम्पल कुक्ड राइस दैट हैव बीन स्टोर्ड बिटवीन 4 degrees and 6 degrees फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो वो राइस ख़राब हो जाता है, वो उसमें स्मेल स्टिंग करना चाहता है. अगर उसके बावजूद भी हम लोग वो खाते हैं देन इट्स आवर मिस्टेक, राइट? सो हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस फूड को ख़राब होने से? सो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग टू एंश्योर सेफ प्रोडक्शन. सो पहला है परचेज ऑफ फूड, हमें वो फूड, डू नॉट बाय फूड्स दैट आर नॉट प्रॉपरली प्रोडक्टेड. फॉर एग्जांपल सियुमाई एंड लो मेन दैट हैज़ एक्सपोज्ड टू ओपन एयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और कुक्ड फूड दैट हैज़ नॉट been covered properly. For example, we'll say roadside food, they won't cover that properly. वो open होता है या properly covered नहीं होता है. Then do not purchase food from unlicensed sources. कभी भी unlicensed sources से नहीं लाना चाहिए, especially for cooked food or cold food, because of the place ways in which they cook, their foods are usually not hygienic. तभी जाके उनकी places हमें कभी दिखती नहीं है, वो बस आके बेचते हैं, ठीक है. Do not buy any food which looks abnormal, example swollen or dented canned foods. इन food को हमें avoid करना चाहिए. Next is foods to be eaten raw such as sashimi and rock oyster, means these are all seafoods should be obtained from a reliable and reputable source to ensure their quality. क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल के वर्ल्ड में बहुत सारे फिशरमैन ऐसे हैं जो कि डीप फ्रीजर्स में बहुत महीनों तक फिशेस को रखते हैं और उन्हीं फिशेस को सेल करते हैं जो कि पॉइजन बन चुका होता है. नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑफ फूड, मतलब इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है बट देन यू आर प्रॉपर हाइजीन वैन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फूड, मेकिंग फूड, सर्विंग फूड, तो हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. वेयरिंग ग्लव्स, बालों को टाई करना चाहिए जब खाना बनाते हैं. देन अगर अब हमें ये सब चीज़ें नहीं की तो क्या हो सकता है, पेशेंट में भी सफर और द फैमिली मेम्बर्स में भी सफर from diarrhea, vomiting, sore throat, inflamed wounds. So anybody suffering from diarrhea, vomiting, sore throat, inflamed wounds, unless properly bandaged with water proof plastic tape, should not handle or touch any food so as to prevent the food from being contaminated by food poisoning bacteria. Next is the storage of food. फूड शुड बी सर्व्ड वंस इट्स प्रिपेयर्ड, सो हमें स्टोरेज करना चाहिए. तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्परेचर्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे. जैसे कि यहाँ पे दिया है इस फूड के लिए ये टेम्परेचर चाहिए, इस फूड के लिए ये टेम्परेचर चाहिए. सो विद दिस आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फूड एडल्ट्रेशन एंड द हाउ टू प्रिवेंट प्रिजर्व definition of food adulteration. I hope you like this content. Give my channel a thumbs up, like, share and comment on what topics you need the videos, which subject. So hopefully I'll be making in coming days. I want all of your response, whether my subscribers are 20, 30, 40, you all matter a lot for me and I'm looking forward to help you in every possible aspect. Thank you.